फ्रेंड्स, तमाम देखभाल और सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपके प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या उनमें फूल नहीं आ रहे हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, पौधे एकदम कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे आसानी से प्लांट में ग्रोथ होने लगेगी और पौधे में अच्छी मात्रा में फूल आने लगेंगे। क्योंकि जब हम सभी फर्टिलाइज़र देते हैं तो अधिकांश फर्टिलाइज़र पौधे में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं, लेकिन एक जो खास एलिमेंट है कैल्शियम, उसको देना हम भूल जाते हैं। और कैल्शियम की कमी से ही प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है, चाहे आप कितने भी फर्टिलाइज़र देते रहें, प्लांट एकदम कमज़ोर हो जाता है, फ्लॉरिंग बंद हो जाती है, यदि फूल आते भी हैं तो बहुत छोटा आकार फूलों का होता है, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिर्फ फूलों वाले पौधों के लिए ही नहीं, सभी पौधों के लिए कैल्शियम एक ज़रूरी एलिमेंट है, चाहे वो सब्जियों वाले पौधे हों, फूलों वाले, फलों वाले, सभी को महीने में एक बार कैल्शियम देना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत घरेलू चीज़ है, आप आसानी से इसको अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम रिच सोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको महंगे कैल्शियम फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आसानी से प्लांट को आप कैल्शियम दे सकते हैं। उसके पहले एक दो काम आपको मैं ज़रूरी बता देती हूँ जो बारिश में आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले, आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसके हिसाब से पॉट का साइज़ छोटा है, तो इस समय आप प्लांट को रिपॉट कर सकते हैं। ऐसा करने से जड़ों को फैलने के लिए स्पेस मिलेगा और पौधा अच्छी ग्रोथ कर सकेगा। कभी कभी पौधे की ग्रोथ रुकने का कारण रूट बाउंड हो जाता है, जो कि छोटे गमले में आप बड़ा पौधा लगा कर रखते हैं इसलिए होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, आप अभी बारिश में प्लांट को रिपॉट कर सकते हैं। दूसरा काम, बारिश में आपको बिल्कुल भी गमलों में पानी भरा नहीं रहने देना है। पॉट का ड्रेनेज सिस्टम बहुत सही होना चाहिए। यदि लगातार पानी भरा रहता है तो पौधे की जड़ें गल जाएंगी और पौधा विकास रोक देगा। बारिश के समय में सभी प्लांट की समय समय पर आपको कटाई छटाई करनी होगी, क्योंकि फूल सूखने के बाद मिट्टी में गिर जाते हैं और मिट्टी में गिरने के बाद लगातार नमी रहने की वजह से फंगस लगने का खतरा हो जाता है। इसलिए मिट्टी में किसी तरह का आपको कचरा, पत्तियां या फिर सूखे हुए फूल नहीं रहने देना है, उनको आपको समय समय पर साफ़ करते रहना है और आपको महीने में एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी है। ख़ासतौर पर जब आप किसी फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट में यूज़ कर रहे हैं तो एक दिन पहले आप प्लांट की गुड़ाई ज़रूर कर दें। ये कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र आप सफ़ेद फूलों वाले पौधों पर ज़रूर यूज़ करें, जैसे कि गुलाब है जो कि वाइट कलर के फूल होते हैं, उन प्लांट को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी तरह से मोगरा में यदि आप बार बार लगातार फूल लेना चाहते हैं तो आप कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र को महीने में एक बार ज़रूर डालें। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से इस चीज़ का प्लांट पर इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास है ये चौक हमें आसानी से अपने घर में ही अवेलेबल हो जाती है, या फिर आप किसी भी स्टेशनरी वाली दुकान से लेके आ सकते हैं। 5 से 10 रुपये में इसका पूरा पैकेट आ जाता है, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है और ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। आप अपने प्लांट के लिए इसका यूज़ करें, इसका किसी तरह का प्लांट के लिए साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो जितने पौधों पर आप डाल रहे हैं उसी हिसाब से आप चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 चौक ली हैं, मैं 4 पौधों पर इसका इस्तेमाल करूँगी। तो इन्हें अच्छी तरह से पहले पाउडर फॉर्म में कर लेना है, बहुत आसानी से ये पिस जाती हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है। अब इसे हमें अपने प्लांट की सॉइल में डालना है। तो पहले आपको प्लांट की मिट्टी एकदम हल्की कर लेनी है। मैंने एक दिन पहले ही मिट्टी की गुड़ाई कर दी थी तो मिट्टी बहुत हल्की है इस तरह से। अब आपका पॉट बड़ा है तो आप 1 चम्मच ये चौक का पाउडर इसमें डालें, और यदि छोटा है तो आप 0.5 चम्मच ये चौक का पाउडर मिट्टी में डाल दें, और इस तरह से आपको मिट्टी को ढक देना है और उसके बाद इसमें पानी डाल देना है। बहुत ही आसान तरीका है पौधों में कैल्शियम देने का और पौधों को अच्छी ग्रोथ देने का। महीने में एक बार आप इसका यूज़ करें। थैंक यू।